भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और भारत अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती से चीन का सरकारी मीडिया जैसे बौखला गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार चीन की जगह नहीं ले सकता। यही नहीं, भारत भी वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की जगह नहीं ले सकता। चीनी अखबार ने कहा है कि भारत जितना ज्यादा अमेरिका को निर्यात करेगा, उसे उतना ज्यादा ही चीन से आयात करना होगा। विश्लेषक मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा चीन पर ही फोकस रहनी है, तो ऐसे में उसका बौखलाना स्वाभाविक माना जा रहा है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आखिर जिक्र किन किन बातों को लेकर किया है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार का जिक्र उन्होंने किया और उसने इसमें भी अपने खिलाफ साजिश खोजी है। ये बात जो है वो अमेरिका के संदर्भ में चीन की ओर से कही गई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच भारत का सबसे बड़ा भागीदार अमेरिका बना और इसे भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। तो ग्लोबल टाइम्स ने इसके आगे लिखा कि भारत के साथ अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाने के साथ ही इसके जरिए भू राजनीतिक गणित भी कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि अमेरिका की इन कोशिशों को समझना मुश्किल नहीं है। ये साजिश आगे जाकर विफल होगी क्योंकि वैश्विक आपूर्ति चेन में चीन जिस स्थिति में है, उसे वहां से भारत या कोई और अर्थव्यवस्था हटा ही नहीं सकेगी। तो ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में ये तमाम बातें जो हैं लिखी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए। भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया, कि विशेष इसलिए है क्योंकि वहां के सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी इस यात्रा को मील का पत्थर मानता है। इस पर भी सभी एकमत हैं कि यात्रा भारत और अमेरिका के रिलेशंस में एक नए युग का सूत्रपात करने वाली है। तो इसे चीन भी समझ रहा है और इसीलिए उसके विदेश मंत्री ने यह कह दिया कि अमेरिका चाहे जितनी कोशिश कर ले, ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में भारत उसकी बराबरी नहीं कर सकता। चीनी विदेश मंत्री के बयान से देखिए, ये कहीं ना कहीं साफ है कि उन्हें अमेरिका की ओर से भारत को महत्व देना रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि भारत को अपने विकास के लिए चीन के साथ अपना व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। इस शरारत भरे विचार को देखते हुए भारतीय पीएम की ओर से चीन को यह संदेश देना आवश्यक हो गया कि सीमा पर शांति कायम होने के बाद भी उसके साथ रिश्ते कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। वैसे तो देखिए, यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार बार कहते ही रहे हैं कि रिलेशंस देखिए तब तक नॉर्मल नहीं हो सकते, सामान्य नहीं हो सकते जब तक चीन से किए गए वायदे और दावे, जो हर बार एक मिलिट्री चीफ की कमांडिंग लेवल की बैठक में किए जाते हैं, जब तक उन पर वो खरा नहीं उतरता है तब तक जो चीजें हैं वो सामान्य नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए कि गैलवान में चीनी सेना के साथ खूनी झड़प के बाद संभवतः ये पहली बार है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने भी चीन को ये संदेश दिया कि सीमा विवाद को सुलझाए बिना वो भारत से संबंध सामान्य करने का जो सपना देख रहा है वो पूरा होने वाला नहीं है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी है। तो देखिए, ये पूरा भी नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि गैलवान वैली में चीन की धोखेबाजी को भारत उसी तरह नहीं भूल सकता है जैसे 1962 में उसकी ओर से किए गए आक्रमण को। चीन को कहीं ना कहीं आज के सिनेरियो में समझने की जरूरत है कि भारत उसके इस कुटिल इरादे को भांप चुका है कि वो सीमा विवाद को यथावत रखकर रिलेशंस सामान्य करना चाहता है। चीन के इरादों को देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, मैंडेटरी भी है कि भारत चीनी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयासों को गति दे, जो कि वो कोशिश कर भी रहा है। और इन प्रयासों को इसीलिए भी गति दी जाने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका समेत विश्व के अन्य प्रमुख देश इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में चीन पर निर्भरता खतरे से खाली नहीं है। यही वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चीन हमेशा अपनी बात बड़ी ही मजबूती से आगे रखता है। और इस बार देखिए, अमेरिका रवाना होने से पहले चीन ने यही जो बातें हैं एक बार फिर से कह डाली हैं। देखिए, विश्व समुदाय का ये जो भरोसा है ना कि भारत चीन का स्थान ले सकता है, उस पर खरा उतरने के लिए कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे नीति निर्माता हैं,
उनको अतिरिक्त प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। कहीं ना कहीं चीन से दूरी बनाने और उस पर भरोसा ना करने में ही भारत का हित है, और यही वो तमाम बातें हैं जो आज विदेशी मामलों के जानकार भी कह रहे हैं, विदेशी मामलों के विश्लेषक भी कह रहे हैं। ये तो वो तमाम कोर्ट जिनको आज डिकोड द कोर्ट्स में हमने जगह दी है, और डिकोड द कोर्ट्स में इसी के साथ हम पूर्ण विराम भी लेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन जस्ट हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड विद जस्ट हिंदी। नमस्कार। We'll be right back.